राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को आईआईटी भिलाई पहुंची, जहां राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्प भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भिलाई आईआईटी के दीक्षांत समारोह में 8 टॉपर्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आईआईटी भिलाई आकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडलिस्टों को बधाइयां दी, वहीं 31 छात्रों को सीनेट पुरस्कार दिया गया। 2023 बैच में 13 पीएचडी होल्डर, 27 एमटेक, 13 बीटेक ऑनर्स, 11 एमएससी और 123 बीटेक स्नातक शामिल रहे। इसके अलावा 2024 बैच में 8 पीएचडी, 20 एमएससी, 12 बीटेक ऑनर्स, 19 एमटेक और 150 बीटेक छात्रों को डिग्री दी गई। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद विजय बघेल सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। यह समय तकनीक का समय है। जिस देश और प्रदेश के पास तकनीक की ताकत होगी, वह उतनी ही तेजी से विकास करेगा। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह लक्ष्य तकनीक को हासिल किए बिना हासिल नहीं किए जा सकते। यह हमारा सौभाग्य है कि राज्य में आईआईटी भिलाई के साथ साथ ट्रिपल आईटी, एनआईटी जैसे उत्कृष्ट संस्थान मौजूद हैं। ये संस्थान तकनीक से लैस एक ऊर्जावान पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, जो देश और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज जो विद्यार्थी यहाँ डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस बात पर भी गर्व होगा कि उन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में एक आईआईटी भिलाई से शिक्षा प्राप्त की है। आईआईटी भिलाई हमारे राज्य में एक अत्याधुनिक आईटी पार्क की स्थापना के लिए हमारी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह इस राज्य का पहला आईटी पार्क होगा। इससे सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन, एग्रीटेक और हेल्थ टेक के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए अवसर खोलेंगे। इसी तरह आईआईटी भिलाई हमारी सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में एक विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने का काम कर रहा है। यह केंद्र छत्तीसगढ़ के स्कूलों के लिए एक एआई आधारित सेंट्रलाइज कमांड और नियंत्रण केंद्र तैयार करेगा। यह हमें स्कूलों के प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे और छात्रों की संख्या आदि के संबंध में जानकारियां प्रदान करेगा। इससे नीतियों के निर्माण और संसाधनों के वितरण इंपॉर्टेंस विद ग्लोबल रीच एंड विजन इज नाउ फ्लोरिशिंग इन आवर स्टेट। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दिस इंस्टीट्यूट हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन कर्विंग इट्स स्पेस इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़। द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज रेंडर्ड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस at every step towards the establishment and nurturing of the institute, whether it be provisioning of land and resources or coordination with various administrative branches of the government. Chhattisgarh is renowned as the rice bowl of India. Our state is rich in natural resources and minerals as well as cultural heritage. This institute is working with various branches of our government on issues of direct social and economic relevance to the people of our state. We are glad to see that many memorandum of understanding has been signed between Chhattisgarh government's departments, agencies and IIT Bhilai. Some projects are regarding rejuvenation of river, capacity building of district administrations, and to preserve intangible heritage of the state. The institute has also held a number of workshops in the domains of healthcare innovation, literacy, and indigenous knowledge systems, wherein stakeholders from our government have participated enthusiastically. These and similar initiatives are only the beginning of holistic and robust partnership between Chhattisgarh. सर्वप्रथम मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
सभी पदक विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूं। आज की उपलब्धि को हासिल करने के पीछे आपने अथक परिश्रम किया है और आपको बहुत खुशी हो रही होगी। आपकी इस यात्रा में आपके माता पिता आपके साथ खड़े रहे, ये आपकी ही नहीं बल्कि आपके माता पिता की भी उपलब्धि है। मैं सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई देती हूँ, साथ ही आपके प्राध्यापकों और आपके सभी साथियों को भी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। दीक्षांत समारोह का दिन उपलब्धियों से जुड़े गर्व को महसूस करने का दिन है। हर संघ संस्थान और हर विद्यार्थियों के लिए ये हर्ष का अवसर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कैंपस लाइफ के खत्म होने और दोस्तों से दूर होने हो जाने की भी दुख भी है। आज का दिन आपके लिए खुद को ये याद दिलाना का भी दिन है कि आप एक जिम्मेदारी नागरिक और एक सक्षम व्यक्ति के रूप में बाहर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का भले ही यहाँ अंत हो रहा है, लेकिन अध्ययन करने और सीखने की इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। ये आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको भिलाई शहर में रहने और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, जो देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। स्वतंत्र भारत की यात्रा की शुरुआत के समय से ही देश के आधुनिक विकास में भिलाई की प्रभावी भूमिका रही है। अपनी शिक्षा के दौरान आपने अवश्य इस क्षेत्र के बारे में विस्तार से ज्ञान अर्जन किया होगा और इसकी प्रभावशाली विकास यात्रा से प्रेरणा भी ली होगी। देवियों और स्वजनों, मुझे ज्ञात हुआ है कि ये दीक्षांत समारोह आईआईटी भिलाई के इस परिसर में आयोजित होने वाला पहला दीक्षांत समारोह है, ये लेकिन थर्ड एंड फोर्थ दीक्षांत समारोह है। ये प्रशंसनीय है कि ये परिसर अत्याधुनिक शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है तथा इसके फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया है। मुझे ये भी बताया गया है कि इस परिसर में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है और ये जीरो वेस्ट डिस्चार्ज कैंपस है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले इन सभी प्रयासों के लिए मैं आईआईटी भिलाई की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि अपनी स्थापना के 8 वर्षों से ही आईआईटी भिलाई ने युवाओं की शिक्षा संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने की सफल प्रयास किए हैं। छत्तीसगढ़ की धरती आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध है। जनजातीय समाज के लोग प्रकृति को करीब से समझते हैं और सदियों से पर्यावरण के साथ समन्वय बनाकर जीवन यापन करते हैं। आदिवासी भाई बहन प्राकृतिक जीवन शैली के माध्यम से संचित किए हुए ज्ञान का भंडार है। इसको समझकर और उनकी जीवन शैली में से सीखकर हम भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।